हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एयरपोर्ट या हवाई सफ़र में होने वाली असुविधाओं से कैसे बचा जाए, इस बारे में बात करेंगे। एयरपोर्ट पर आपको कई तरीकों की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना होता है। एक ज़रा सी नज़रअंदाजी कभी कभी आपको असुविधा में डाल सकती है। यदि हम एयर ट्रेवल से पहले इन बातों पर गौर कर लें तो आपका सफ़र सुविधाजनक हो सकता है। तो आइए जानें कौन सी ये बात हैं जो आपकी असुविधाओं को सुविधाओं में बदल सकती हैं। सबसे पहला, चेक इन। चेक इन अपने आप में कोई असुविधा नहीं है, परंतु एयरपोर्ट पर कभी कभी होने वाली भीड़ के कारण ये असुविधा बन सकती है। आजकल सभी एयरलाइंस ऑनलाइन चेक इन की सुविधा उपलब्ध करवाती हैं। इसका उपयोग करें और एयरपोर्ट पर लाइन में देर तक खड़े होने से बचें। नंबर दो, सीट का चयन। अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो निश्चय ही आप विंडो सीट लेना चाहेंगे। किन्हीं किन्हीं एयरलाइंस में सीट का चयन फ्री होता है और ये डिपेंड करता है कि आपने किस क्लास की सीट को बुक किया है। यदि आपके पास सीट का चयन फ्री नहीं है तो लगभग सभी एयरलाइंस में आपको 24 घंटे पहले सीट के चयन की सुविधा मिलती है, जिससे आप अपनी मनचाही सीट पा सकते हैं। ऐसा करने से एयरपोर्ट पर आपको सोचना नहीं होगा और आपको उस समय उपलब्ध सीटों में से एक सीट का चयन नहीं करना होगा। आप ऑनलाइन चेक इन के वक्त ही सीट का चयन कर सकते हैं। तो आप ऑनलाइन जाएं और सीट का चयन करें, जिससे कि आपको अपनी मनचाही सीट मिल सके। नंबर तीन, भोजन का चुनाव। एयरलाइंस में बहुत से प्रकार के भोजन उपलब्ध होते हैं, परंतु कभी कभी हमारी डाइट या चॉइस के चलते किसी एक प्रकार का भोजन ही हम करना पसंद करते हैं। ऐसे में आप ऑनलाइन एयरलाइन की साइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं कि आपको कितने प्रकार का भोजन उपलब्ध है और आप कौन कौन से भोजन में क्या क्या सामग्री वो यूज़ करते हैं और आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते। ऐसा करने से यदि आप अपनी लंबी यात्रा पर निकले हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपने भोजन का चुनाव भी कर सकेंगे। नंबर चार, सहायता की आवश्यकता। लगभग सभी एयरलाइंस और एयरपोर्ट पर आपकी सहायता के लिए सहायक उपलब्ध होते हैं और आप उनसे आप सहायता ले सकते हैं। लगभग सभी जगह पर यह निशुल्क सहायता होती है। ये सहायताएं आपको प्लेन तक पहुंचाने या प्लेन के अंदर आपका सामान ऊपर रखने या उसके खोने पर, या फिर अगर आपकी भाषा अलग है और आप किसी और भाषा में बात नहीं कर पाते हैं तो आपको इससे संबंधित सहायता भी मिल सकती है। आप और भी कई अन्य तरह की सहायताएं जो हैं वो एयरपोर्ट पर ले सकते हैं। पांचवी, जो आखिरी हमारे हमारा पॉइंट है, वो ये है जानकारी। यात्रा से पहले जितना हो सके उतनी जानकारी अपने पास रखें, चाहे ये एयरपोर्ट पर आपको क्या करना है ये हो, या प्लेन के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, क्या कर सकते हैं, या फिर आपको और क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही जान लें। यदि आप छोटे बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो आपको इमिग्रेशन या सुरक्षा जांच के समय फैमिली वाली लाइन में जाएं तो आपका समय बचेगा, या आपके पास बहुत सारा समय एयरपोर्ट पे ही है जो आपको गुजारना है, तो ऐसे में आप एयरपोर्ट लॉन्ज में भी जा सकते हैं और समय का सदुपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर भी फ्री वाईफाई होता है, आरामदायक कुर्सियाँ होती हैं और भी खाने पीने की सुविधाएँ होती हैं, जिनका आप उपयोग करके अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे सामान के साथ यात्रा कर रहे हैं और आपके पास कुछ सामान ऐसा है जिसका खोने का आपको डर है, तो उस केस में आप वर्ल्ड ट्रैकर कार्ड खरीद सकते हैं। आप अपने सामान में उसे लगा सकते हैं, जिससे कि आपके सामान के खोने की सूरत में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक हो सकती है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।